नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम ज्योति देश के घर घर में पहुंचाई जाएगी। 20 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या से राम ज्योति राजस्थान रवाना की गई। इसे राजस्थान के 51,000 मंदिरों के साथ घर घर तक जाकर पहुँचाया जाएगा। यही नहीं, राजस्थान में रावण दहन भी इसी राम ज्योति के जरिए किया जाएगा। इसी तरह देश के अन्य प्रदेशों में भी राम ज्योति भेजी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के माहौल को राममय बनाया जाएगा। आपको बता दें, राम ज्योति श्री राम जन्मभूमि मंदिर की ज्योति से प्रज्वलित की गई है। इस ज्योति को अयोध्या से पहला जत्था लेकर रवाना हो गया है राजस्थान के लिए। ये राम ज्योति राजस्थान के 51,000 मंदिरों तक पहुँचाई जाएगी, जहाँ प्रत्येक मंदिर में 108 परिवारों को संकल्प दिलाया जाएगा। ये संकल्प दीपोत्सव तक राम ज्योति को अखंड रखने और 108 दीपक जलाने को लेकर होगा। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इस बार हर घर दीपावली के अवसर पर अयोध्या के राम मंदिर की राम ज्योति प्रज्वलित हो। राजस्थान के 51,000 मंदिरों में ये ज्योति हम डोर टू डोर लेकर जाएंगे। संभाग स्तर पर रथ यात्रा के माध्यम से इस ज्योति को पहुंचाएंगे। जयपुर शहर में 351 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर स्थानीय लोग अपने आसपास के मंदिरों से ज्योति लेकर घर घर जाएंगे। प्रत्येक मंदिर में 108 परिवारों को संकल्प दिलाकर इस दीपावली तक घर घर में भगवान श्री राम की अखंड ज्योति को जलाएंगे। 23 अक्टूबर को राम ज्योति राजस्थान पहुंचेगी और 24 अक्टूबर को दशहरे के दिन इसी राम ज्योति से रावण का दहन किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान भर में राम ज्योति को अलग अलग वाहनों से पहुंचाया जाएगा। वहीं राम ज्योति अयोध्या के राम मंदिर से प्रज्वलित की गई है। इसको रथ के माध्यम से राजस्थान लेकर जाएंगे और दीपावली तक इस ज्योति को प्रत्येक संभाग स्तर 10 वाहनों के माध्यम से वितरित करेंगे। 23 तारीख को ये यात्रा जयपुर पहुंचेगी, जहां श्री राम मंदिर आदर्श नगर में भव्य स्वागत होगा और महाआरती होगी। आपको बता दें कि राम मंदिर का उद्घाटन कब होगा। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस बीच में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 3 मंजिला राम मंदिर के भूतल का निर्माण दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी की होगी। इसको लेकर राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि 15 जनवरी से 24 जनवरी को अनुष्ठान होगा। हमारी ओर से पीएमओ को पत्र लिखा गया और इस पर जवाब भी आ गया है। अब ये तय हो चुका है कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख की होगी। इस कार्यक्रम के लिए और भी लोगों को बुलाया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।